गुलबर्गा जिले के सेडम पुलिस स्टेशन की टीम ने दो बाइक चोरी करने वाले चोरों को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 49 मोटरबाइक को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुलबर्गा जिले के सेडम और उसके आसपास के गांव में बाइक की चोरी के केसेस में इजाफे को देखते हुए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अडोरो श्रीनिवासलु आईपीएस और श्रीनिधि आईपीएस एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और संगमठ हीरेमठ डीएसपी की हिदायत पर सेडम पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर महादेव और मंजुनाथ रेड्डी पीएसआई ने एक स्पेशल टीम बना के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक शख्स को शक की बुनियाद पे हिरासत में लेके पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल लिया है और एक शख्स का नाम भी बताया है। पकड़े गए लोगों के नाम बालाजी आजादपुर गांव का रहने वाला और गुरुशान मडियाल गांव का रहने वाला, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से 49 अलग अलग कंपनी के मोटरबाइक को जब्त कर लिया गया है। लगभग इसकी कीमत 16 लाख रुपए बताई है। ये दोनों चोर मोटरबाइक को कलबुर्गी और यादगीर से चोरी करके गांव में कम कीमत में बेच दिया करते थे। इनके खिलाफ केस को दर्ज करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। गुलबर्गा जिले भर में एसपी अडोरो श्रीनिवासलु आईपीएस ने कहीं पे भी एक्सीडेंट होने दो या क्राइम, वो खुद स्पॉट पे विजिट करके इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हर पुलिस स्टेशन विजिट करके क्राइम को कंट्रोल के लिए अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और एसपी अडोरो श्रीनिवासलु ने जिले भर में क्राइम को कंट्रोल करके रखे हैं। आप देख रहे हैं गुलबर्गा की आवाज न्यूज चैनल, सबसे तेज और सबसे आगे।